इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को बिहार सरकार ने ये सोचकर कोविड 19 अस्पताल से मुक्त कर दिया था कि बाकी मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं हो, लेकिन अस्पताल की मुसीबत फिर भी कम नहीं हुई। बीते 6 दिनों में अस्पताल में इलाज करवाने आए 4 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 2 दिनों के लिए सभी आइसोलेशन वार्ड को खाली कर सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक मरीज के संपर्क में आने के बाद अस्पताल की एक नर्सिंग स्टाफ में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वहीं 50 डॉक्टरों के साथ 20 नर्सिंग स्टाफ को संदिग्ध मानते हुए क्वारंटीन कर दिया गया है। इसमें से 25 कर्मियों का सैंपल लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में 29 जिले कोरोना की चपेट में आ गए हैं और अब यह संख्या बढ़कर 426 तक पहुंच गई है। ऐसे में सरकार ने सभी 38 जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम शुरू करवाने का फैसला लिया है। न्यूज़ डेस्क।